वो महज मेरे नाम और मेरी जात की वजह से पहचानी जाए, चाहे वो मेरे कपड़े हों, मेरा अखबार हो या मोहब्बत का पैगाम सुना। इत्तला ये मिली कि तुलाई ने 5 लाख तातारियों के साथ दरियाए सेंह उबूर कर लिया है। सुल्तान के पास फौज कितनी है? नाना जगह पर नहीं है, पर मेरे पास जितने पैसे हैं वो तुम ले जाओ। नाना जैसे याद आए मैं भेजता हूँ नाने को उधर। जाओ जल्दी जाओ तुम। मैं खुद परेशान हूँ उन पत्रों से जो तुम्हारे नाम पर आ रहे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के मुतालिक। मेरे ताल्लुक से अगर जरा भी बात लीक आउट हो गई तो मेरा सारा सियासी करियर खत्म हो जाएगा। मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने मेरी बहन से उसकी बेटी का रिश्ता भी मांगा था। मैं अगर अपनी बहन से नहीं मिलता था तो इसका मतलब ये नहीं है वो मेरी बहन ही नहीं है। आप इसी वक्त इस कमरे से निकल जाएं और यहाँ आने की कोशिश भी ना कीजिएगा प्लीज। कुछ है मुझे खुद मसीहा की जरूरत है जो मुझे छू ले और मैं जिंदा हो जाऊं। बेटा किस्मत तो वो बनाता है जिसने हमें पैदा किया है। ये कैसे हो सकता है कि खालिक अपनी तखलीक में खुद नक्स पैदा करे? मुझे कोई माँ की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत थी और मैं तुम्हें जो प्यार के लाया था वो उनकी माँ की हैसियत आया था। अब ये तुमने साबित करना है कि तुम उनकी माँ हो या नहीं। क्या कुछ नहीं दिया, ऐश आराम आसाइशें नेमतें, उसके बावजूद तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या लिया है मैंने, क्या फायदा हासिल किया है मैंने सियासत से? उल्टा खर्चा किया है, अपनी जेब से हर इलेक्शन में दिया। पापा सही, इस खर्चे के बदले में आपको अना मिली है, शोहरत मिली है, नाम मिला जिसका कोई नेमो बदल। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोहरा देता हूँ कि इस दफ्तर में किसी भी नाअहली सुस्ती तासुब सिफारिश और बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानवर हमारी जमीनों में चरने आ गए, क्या तुम भी जानवर बन गए थे? ऐसे समझाते हो तुम्हें घबराने की जरूरत है और कानूनी मामलात में हमारी दखल भेजा। वैसे अगर जिनों में जाती तो ये सब कुछ ना। ठेका मिलने तक उन लड़कों को जो कुछ करना चाह रहे हैं उस फार्म हाउस पर करने दो। अपनी आंखें कान और मुंह बंद रखो, लेकिन याद रखो सिर्फ ठेका मिलने तक। लोग शरीफ लोग हैं। बस बस, मुझे अपनी शराफत की कहानी ना सुना। मेरे बेटे के साथ तेरी नजरबाजी ने उसे कत्ल कराया है। फैजू इस हालत में मुमल को गोट ले जाना बेकार है, इसलिए कि जो बातें हम छुपाना चाह रहे हैं वो तो सरेआम हो जाएंगी। इसी वजह से मैंने बंगले की बजाय यहाँ पर रखा हुआ है मुमल। मैर अली के बेटे को अगर गोली लगी है तो जख्मी तुम भी हो गए, हमारी तरफ से हिसाब बराबर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। बात ही रहेंगे, मैं दीवार के उस तरफ रहते हुए थक गया हूँ, इस तरफ आने में कितना टाइम लगेगा? क्या करूँ शाहजी, जब आप मुझे प्रपोज करते अब्दुल गफूर आ जाते हैं मुझे ख्वाब में लेने के लिए। रेहाना देखो, खालिद की अभी उम्र है, इस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां मत लगाओ। इस उम्र में मैं भी ऐसे ही था। तुम क्या समझती हो, तुम इस दुख में अकेली हो? मेरी गोद, मेरा दिल, मेरी जिंदगी इस चीज की कमी महसूस नहीं करती? जिसको जो जी में आता है वो करता है। ये मेरा गांव है, यहां जो मैं चाहूंगा वो होगा। मेरा कोई बेटा होता तो मेरे मफादात का ख्याल रखता। तुम्हारा तजुर्बा गलत है, इंसान को इस चीज की हर वक्त जरूरत होती है, चाहे वसूली पर हो या जलते अलाव में।